नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आप सभी का ओब्लीप्रेप्स में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से दो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट में पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाती है। इसमें जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वह कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न दिशाओं के क्रम पर क्वेश्चन देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें दिशा कि क्या हमें दिशा पहचानते आता है या नहीं, तो दिशा पहचानने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, प्लस सिंबल का, जो इस प्रकार से कुछ होता है और इसी से हम क्या करते हैं दिशा को चिन्हित करते हैं। ये जो सिंबल है जो ये वाला इस तरफ है, ये वाला ये दिखाता है पूर्व दिशा की ओर, ये दिखाता है ईस्ट पूर्व दिशा की ओर, और जो इसके जस्ट अपोजिट होता है ये वाला, ये दिखाता है वेस्ट को, पश्चिम दिशा की ओर, और ये जो ये ऊपर की ओर है ये दिखाता है नॉर्थ उत्तर दिशा को, और ये जो नीचे वाली दिशा होती है ये वाली, ये डायरेक्शन जो शो करती है जस्ट इसका अपोजिट उत्तर का, ये होता है दक्षिण या साउथ। तो इस प्रकार फ्रेंड्स चार मेन दिशाएं हमारी होती हैं और इन चारों की चार सब डायरेक्शन भी होते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें जो इसके बीच होता है तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट, या आप इसे बोल सकते हैं उत्तर पूर्व, या इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व। उसके बाद जस्ट इसके अपोजिट जो ये वाली डायरेक्शन होती है, ये वाली जो दिशा होती है ये होती है साउथ वेस्ट, या आप इसे बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम। फिर इधर जो डायरेक्शन होती है, इधर जो ये वाली दिशा होती है ये होती है नॉर्थ वेस्ट, या आप इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। और जस्ट इसके जो अपोजिट डायरेक्शन होती है ये वाली, ये होती है साउथ ईस्ट, या आप इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा कि जो डायरेक्शन होती है, दिशाएं होती हैं, वो आठ प्रकार की होती हैं। दो दिशाएं और होती हैं जो एक इस तरीके से होती है और एक इसके जस्ट अपोजिट। चूंकि इसे दिखाया नहीं जा सकता इस वजह से हम इनका प्रयोग भी नहीं करते, क्योंकि ऊपर और नीचे तो जाया नहीं सकता, तो इस वजह से इन दो दिशाओं का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आठ दिशाएं हैं इनका प्रयोग हम करते हैं। तो ध्यान रहे, ये वाली जो दिशा है ये पूर्व है, इधर वाली दिशा पश्चिम, और इसके जस्ट ऊपर वाली दिशा उत्तर, और इसके जस्ट अपोजिट जो होती है दक्षिण। फिर इन जो दिशाएं हैं, इन चार दिशाओं की चार सब डायरेक्शन भी होती हैं। जो इसकी दिशाएं होती हैं वो ये होती हैं, एक इधर वाली होती है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, फिर हमारा होता है उत्तर पश्चिम, फिर दक्षिण पश्चिम, और ये वाला होता है दक्षिण पूर्व। अब हम इसी के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, इनको लेते हैं। देख लीजिए, इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर दक्षिण पश्चिम, और इधर दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार हमें दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारा पहला कांसेप्ट था कि सबसे पहले क्या हमें दिशा पहचानना आता है या नहीं। फिर जो इसमें दूसरा कांसेप्ट है वो ये है कि दायां और बायां का कांसेप्ट, लेफ्ट राइट का, लेफ्ट और राइट का, दायां बायां का कांसेप्ट। इसमें हमें ये देखना होता है कि हमें क्या दायां, आपका एग्जामिनर जब दायां बोलेगा आपके क्वेश्चन में तो आप किस दिशा में चलेंगे, और जब बायां बोलेगा तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे। तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो आप बताइए उत्तर किधर होगा, ये वाली डायरेक्शन उत्तर होगी। तो इस प्रकार आप उत्तर दिशा में जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति है वो ये गया उत्तर दिशा की ओर, ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर गया, और वो आपने दाहिने मुड़ा, तो आप इस बिंदु से अब आपको दाहिने मुड़ना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दाहिने मुड़ना है तो किस प्रकार मुड़ेंगे। तो अब इस दिशा से अगर मैं दाहिने मुड़ना है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम जाएंगे जब आपका एग्जामिनर क्या बोलेगा, दायां बोलेगा। तो बताइए घड़ी की सुइयां किस प्रकार से चलती हैं, कुछ इस प्रकार से चलती हैं, घड़ी की सुइयां इस प्रकार से चलती हैं। तो ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी यहां से जब हम दाएं मुड़ेंगे तो ऐसे इस दिशा में मुड़ेंगे, तो यहां से दाएं मुड़े तो किस दिशा की ओर जा रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर। पुनः अगर हम यहां से दाएं मुड़े तो आप बताइए अब इस दिशा से हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में इस प्रकार से घड़ी की सुइयां चलती हैं, तो जब दाहिने बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना होता है, तो हम यहां से जब फिर पुनः दाहिने मुड़ेंगे तो अब इस डायरेक्शन में आ गए होंगे। तो हमारा अब हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो आप बताएं, तो आप कहेंगे सर आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। तो बताइए अब पुनः अगर हम यहां से दाहिने मुड़े तो हम इस डायरेक्शन में मुड़ेंगे और जहां से चले थे उसी स्थान पर आ गए। तो हमने देखा कि अगर दाहिने की बात आए तो इस प्रकार चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में। अगर आइए बायां देखते हैं, ये तो था कौन सा क्रम, दायां, तो ये दायां का कांसेप्ट था। अब आइए देखते हैं कि बायां जब आपका एग्जामिनर बोले तो आपको किस प्रकार से चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है और वह पुनः उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अब वो यहां तक पहुंचा और यहां से बाएं मुड़ा,
तो आप बताएं यहां से वो बाएं मुड़ेगा तो अब वो दाहिने के लिए तो हम जानते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन जब आपका एग्जामिनर बायां बोले तो ऐसी दिशा में हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलना होता है। तो बताइए घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलेंगे तो घड़ी की सुइयां किस प्रकार चलती हैं, इस प्रकार चलती हैं, लेकिन अब हम इस प्रकार से चलेंगे। तो इस प्रकार से जब हम चलेंगे तो आप बताइए यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयां इस प्रकार से चलती हैं ऐसे, लेकिन हमें ऐसे मुड़ना होता है, तो यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो इस दिशा की ओर मुड़ेंगे। तो जब इस दिशा की ओर मुड़ेंगे तो अब क्या हुआ, अब हम यहां पर बायां मुड़े लेफ्ट, और फिर अगर इस दिशा में और हैं अब हम किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर। अगर हम यहां से फिर बाएं मुड़े तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, और अब हम किस दिशा की ओर जाएंगे, पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे। अब हम पुनः यहां से अगर हम बाएं मुड़े तो बताइए यहां बाया कौन सा होगा, लेफ्ट। तो इस प्रकार यू टर्न करेंगे तो अब बताइए हम कहां आ गए, जहां से चले थे वहां पर। तो यहां से यहां लेफ्ट मुड़ा हमने, यहां फिर लेफ्ट मुड़ा, और यहां पर भी हमने लेफ्ट मुड़ा। तो इस प्रकार जब आपका एग्जामिनर दायां बोले तो दायें के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है, लेकिन जब आपका एग्जामिनर बायां बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फ्रेंड्स अभी तक हमने डायरेक्शन सीखा कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, हमें जब पूर्व की ओर चलना होता है तो किस दिशा की ओर जाते हैं, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। दूसरा कांसेप्ट जो हमने आज सीखा वो ये है कि दायां और बायां का कांसेप्ट, कब हमें दायां बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बायां बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक जो तीसरा कांसेप्ट इसमें बनता है वो बनता है शैडो कांसेप्ट, छाया का कांसेप्ट। तो आइए सीखते हैं शैडो कांसेप्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम छाया के कांसेप्ट की बात करें तो अगर ये है सुबह का समय है और एक शाम का समय है। अगर एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की तरफ मुकर के खड़ा है, सुबह के समय सूर्य की तरफ मुकर के खड़ा है तो उसकी छाया किस तरफ बनेगी, सूर्य की तरफ उगता है, हम जानते हैं कि पूर्व दिशा में इधर सूर्य उगता है, और एक व्यक्ति अगर इस दिशा की ओर मुख खड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसकी क्या बनेगी, परछाई, उसकी छाया उसके जस्ट पीछे बनेगी। तो बताइए अगर उसके जस्ट पीछे अगर उसकी छाया बनेगी तो किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। तो यानी सुबह के समय जब सूर्य पूरब की ओर मुख होता है व्यक्ति का तो उसकी छाया किस दिशा में बनती है, पश्चिम दिशा की ओर बनती है। तो पहला चीज, सुबह के समय अगर व्यक्ति का मुंह पूर्व की दिशा की ओर है तो उसकी छाया पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। यही जब सूर्य अस्त होता है यानी शाम के समय, जब व्यक्ति का मुख अगर पश्चिम दिशा में है तो उसकी छाया जस्ट उसके पीछे अर्थात पूर्व दिशा में बनेगी। तो इस प्रकार शाम के समय की अगर बात करें तो व्यक्ति का मुख किधर होता है, पश्चिम दिशा की ओर, छाया किधर बनेगी, पूर्व दिशा की ओर। तो इस प्रकार ये होता है आपका शैडो कांसेप्ट। आइए शैडो कांसेप्ट को हम इस तरीके से समझें, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझें, क्योंकि आपका एग्जामिनर शैडो कांसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो कुछ ज्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, शैडो कांसेप्ट का क्वेश्चन है कि रौनक की छाया सुबह 7 बजे उसके दाहिने है, तो बताएं कि रौनक का मुख किस दिशा की ओर है। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि सुबह सूर्य निकलता है किस डायरेक्शन में निकलता है, तो वह पूर्व दिशा की ओर निकलता है। तो इस प्रकार अगर सूर्य पूर्व में निकलता है तो छाया किधर पड़ती है, हम जानते हैं ठीक जस्ट पीछे, और उसका मुख कह रहा है आपका एग्जामिनर कि जो ये खड़ा है व्यक्ति रौनक, इसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख सूर्य की ओर है यानी पूर्व दिशा की ओर है। तो अब इसकी छाया निश्चित रूप से किधर बनेगी, तो आप जानते हैं कि छाया जस्ट इसके पीछे बनेगी, और इसका मुख किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो अब इसका मुख जो छाया बनेगी वो इस इधर बनेगी, इस दिशा में बनेगी, लेकिन कह रहा है जो इसकी छाया बन रही है वो किस, इसके दाहिने है। तो बताइए अगर व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है तो इसका दाहिना कौन सा होगा, इसका दाहिना कौन सा होगा, तो बताएं रौनक का मुख किस दिशा की ओर, हमें बताना है कि उसकी दिशा की ओर है। अब हम ये तो पता है हमें निश्चित रूप से कि जो छाया बनेगी वो इधर ही बनेगी, ये जो छाया बनेगी जस्ट इसके पीछे बनेगी, तो व्यक्ति इधर खड़ा है तो ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा दाहिना और ये इसका होगा बायां। तो क्या इसके दाहिने छाया पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, तो और आपका एग्जामिनर जो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है उसके दाहिने पड़ रही है। तो अगर इस प्रकार से अगर वो खड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसकी छाया इसके दाहिने नहीं पड़ेगी। तो अगर वो इस तरीके से खड़ा हो जाए तो अब उसकी छाया क्या पड़ेगी, ये इसका हो जाएगा राइट और ये उसका हो जाएगा लेफ्ट। तो अब बताइए इसकी छाया इसके दाहिने पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, यहां पर उसकी छाया बन रही है। तो अब हमें बताना है उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो फ्रेंड्स ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये हमने सीखा कि ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है पूर्व हमारी, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो आपका आंसर होगा साउथ दक्षिण। तो शैडो कांसेप्ट में आपको यह ध्यान रहनी चाहिए कि आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से बोले, अगर सुबह बोले तो हम किधर मांगते हैं, पूर्व की ओर,
तो बताइए सुबह अगर पूर्व है और एक व्यक्ति खड़ा है उसका मुख पूर्व की ओर है, यानी वो खड़ा है कहीं पर भी खड़ा है, अब उसकी दिशा जो बनेगी उसके जस्ट पीछे बनेगी, तो जस्ट पीछे इस दिशा में बनेगी, अर्थात किस दिशा में बनेगी, वेस्ट दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। तो बताइए अगर ये रौनक खड़ा था यहां पर तो इसके पश्चिम दिशा में बन रही थी, तो अब हमें यह निश्चित नहीं कि वो कहां पर है, किस दिशा में हो रहे, हमें दिशा ही बताना था। तो अगर हम रौनक को इस तरीके से खड़ा कर देते तो अब इसके किस ओर बनती, तो इसके लेफ्ट बनती और इसके राइट बनती, लेकिन आपका एग्जामिनर कह रहा है उसके दाहिने बन रही है, अगर उसके दाहिने बन रही है तो इस आधार पर तो नहीं खड़ा है। अगर वो इस तरीके से खड़ा होता, मान लीजिए वो इस तरीके से खड़ा होता, सूर्य की तरफ उसका मुख होता, तो उसके जस्ट पीछे बनती, दाहिने तो बनती नहीं। अगर वो इस तरीके से खड़ा होता तो इसके जस्ट पीछे बनती, तो यानी ये भी इस तरीके से भी नहीं खड़ा है, इस तरीके से भी नहीं खड़ा है। अब हम उसको किस दिशा की ओर खड़ा करेंगे, इस दिशा की ओर। अगर इस दिशा की ओर खड़ा करेंगे तो ये इसका दाहिना, ये इसका बायां, और इसकी परछाई किधर बन रही है, उसके दाहिने बन रही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा कि उसका मुख्य दिशा की ओर है, तो वो साउथ दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। तो इस प्रकार अभी तक हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा जो कॉन्सेप्ट वो सीखा दिशाओं की, कि कितनी दिशाएं होती हैं हमारी, 10 दिशाएं होती हैं, जिसपे 8 दिशाओं पे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें सीखा वो यह सीखा कि शैडो कॉन्सेप्ट, छाया, जब व्यक्ति सुबह के समय उसकी छाया किधर बनती है, पश्चिम बनती है, लेकिन जब शाम के समय होता है तो उसकी परछाई किधर बनती है, उसकी छाया किधर बनती है, पूर्व दिशा की ओर बनती है। दो चीजें हमने इसमें सीखा। फिर जो तीसरा हमने सीखा था दायां बायां, कि दायां हमें कैसे मूव करना है, बायां हमें कैसे मूव करना है। जब आपका एग्जामिनर दायां बोले तो हमें घड़ी की सुइयों की दिशा में चलना होता है, और जब आपका एग्जामिनर बायां बोले तो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलना होता है। तो इन तीन कॉन्सेप्ट से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है। तो आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम इन तीनों कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, पहला दिशा का और दूसरा लेफ्ट राइट का। फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और पुनः वह दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहली बात कि वो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। तो बताइए वो यहां से चलता है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में जानते हैं किधर होती है, इस दिशा की ओर। अगर हम अपने फिगर पे जाएं, मेन फिगर पे, तो ये हमारा किधर क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये वाला दिशा दक्षिण। तो इस प्रकार कह रहा है कि उत्तर दिशा में जाता है, अर्थात इस डायरेक्शन में गया, वो उत्तर दिशा की ओर गया। अब उसे यहां से क्या मुड़ना है, दाहिने, उसे दाहिने मुड़ता है। तो बताइए अगर वो यहां से दाहिने मुड़ेगा, तो हमने आपको बताया कि दाहिने के लिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, घड़ी की सुइयों की दिशा में मुड़ेगा। तो वो यहां से घड़ी की सुइयां किस प्रकार चलती हैं, ऐसे, तो इस प्रकार वो इस दिशा में मुड़ेगा और कितना चलेगा, वो 3 किलोमीटर चला। अभी वो यहां से कितना चला, 3 किलोमीटर यहां पहुंच गया। कह रहा है यहां से वह पुनः दाहिने मुड़ता है, इस दिशा से वह पुनः दाहिने मुड़ता है। अब इस यहां से अगर यह दाहिने मुड़ा तो बताइए वो इस दिशा की ओर जा रहा है, यहां पर है, यहां से दाहिने मुड़ेगा तो हमें यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है दाहिने के लिए। तो घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, तो इस दिशा में मुड़ेगा और कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री के एंगल पर। कभी भी दाहिने बोले या बाएं बोले तो आपको जो टर्न होना होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर टर्न होना होता है, अर्थात 90 डिग्री घूमेंगे आप दाहिने बोले तो और बाएं बोले तो। तो बताइए कि अब वो कितनी दूरी तय किया, ये यहां से यहां तक गया, कितना तय किया था, 6, फिर 3 किलोमीटर दाहिने, अब यहां से पुनः दाहिने मुड़ा और कितनी दूरी तय की, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर अभी यहां तय किया, 3 किलोमीटर उसने यहां तय किया और 10 किलोमीटर यहां तय किया। अब आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताएं उसका प्रारंभिक बिंदु यहां था, कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु ये है और वो यहां पर है, तो हमें यहां से बताना है उसकी स्थिति। तो हम जानते हैं कि यहां से एक वो इस दिशा की ओर है, यह है उसकी डायरेक्शन, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये सीधे होता है, इस प्रकार से करें तो सीधे होता तो कौन सी दिशा में होता, तो हम जानते हैं पूर्व दिशा में होता, लेकिन जस्ट पीछे होता पश्चिम होता, ऊपर होता उत्तर होता, दक्षिण होता तो नीचे होता। लेकिन आपका एग्जामिनर ना तो इस दिशा की ओर है ना इस दिशा की ओर है, इसके और इसके बीच में है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स ये आप किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। तो आपका जो पहला आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि उसका दिशा कौन सा होगा, उत्तर पूर्व। फिर दूसरा आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। हमें दूरी जब पूछे तो न्यूनतम दूरी निकालना होता है, कुल दूरी पूछा होता तो हम ऐसे चलते, लेकिन आपका पूछा है दूरी, तो जब दूरी पूछा है तो एक दूरी ये होती है, तो इस दूरी को हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या, इतनी दूरी हमें पता है ये कितनी है, ये जस्ट इसके पैरेलल है ये वाली, तो ये 3, तो ये भी 3, ये पूरा 10, ये 6, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो
तो ये वाली दूरी में निकल आएगी आराम से, ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो जो 25 है तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर, तो जो दूसरा हमारा आंसर होगा वो होगा 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि कह रहा था आपका एग्जाम में कि एक व्यक्ति घर से अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो हम जानते हैं उत्तर डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, फिर यहां से वो किस दिशा में मुड़ता है, अपने दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने के लिए मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो इस तरीके से वो क्या मुड़ा, दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो जिस स्थान पर पहुंचा, अब वो वहां से पुनः दाहिने मुड़ता है। तो फ्रेंड्स सब जानते हैं कि दाहिने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है, अब इस दिशा से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली हुई, तो यहां से अगर वो दाहिने मुड़ा तो इस दिशा में गया और कितना चला, वो इतनी दूरी यहां से यहां तक तय किया 6 किलोमीटर, और यह दूरी टोटल कितनी तय की थी 10 किलोमीटर। आपका एग्जाम यहां से पूछ रहा था कि उसका प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो ये वाली दिशा हम जानते थे कि पूर्व है, ये वाली दिशा में पता था उत्तर, और इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है, इस दिशा के करस्पॉन्डिंग ये वाली डायरेक्शन ली जाती है, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी हमारी, उत्तर पूर्व हो जाएगी, जो कि आपका पहला आंसर है। ये वाला हमारा पहला आंसर है। फिर पूछ रहा था कितनी दूरी पर है, तो दूरी निकालने के लिए हमें ये पता था कि ये इसके बराबर होगा, तो ये 3 तो ये 3, ये पूरी 10 तो ये भी पूरी 10 होगी, यहां से यहां तक ये 6 थी तो ये कितनी 4, तो ये कितनी निकलेगी 5, तो इस प्रकार जो आपका आंसर होगा दूरी वो होगा 5 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अब वो अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या बताया आपको देखना है, दिशा डायरेक्शन, तो हमें सबसे पहले इसमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट राइट मुड़ना है और आपको आंसर देना है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और किस दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर, तो सबसे पहले हमें यह पहचानना आना चाहिए कि पूर्व दिशा होगी कौन सी। तो आपके पेन पे आपकी जो कॉपी होगी उस पे जो पूर्व दिशा होगी वो कौन सी होगी, ये वाली दिशा होगी, ये होगा हमारा पूरब, ये होगा पश्चिम, ये होगा उत्तर और ये होगा दक्षिण। तो पूर्व दिशा की ओर ये उसका घर, और यहां से वो अपने घर की ओर चला, कितना किधर चला, पूर्व दिशा की ओर, और कितनी दूरी चला वो यहां से चल रहा है 20 किलोमीटर, तो ये वाली जो दूरी होगी ये होगी 20 किलोमीटर। अब कह रहा है यहां से वह बाएं मुड़ता है, तो अब हमें यहां से बाएं मुड़ना है, और बाएं के लिए मैंने आपको बताया कि इस दिशा से हम यहां जहां हमारा पेन होता है उस दिशा से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाहिने के लिए और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप हमें बताएं कि यहां से जब वह बाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली दिशा होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली दिशा होगी, तो अब इधर मुड़ेगा और 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ेगा, तो अब आप हमें बताएं कि वो इधर से किस दिशा में चला, इस डायरेक्शन में, कितनी दूरी चला, कह रहा है 20 किलोमीटर, तो ये दूरी अब ये कितनी तय की, पुनः 20 किलोमीटर तक चला। अब वो यहां से पुनः बाएं मुड़ता है, एक बार फिर दाहिने मुड़ता है, अब वो यहां से क्या मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, तो आप बताएं भी यहां पे ये पहुंच चुका है दाहिने के लिए, मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जहां आपकी पेन है यहीं से अब क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात इस दिशा में घड़ी की सुइयों की दिशा में मुड़ेगा, कितनी दूरी तय करेगा 10 किलोमीटर। तो ऐसे चला और कितनी दूरी तय किया, वो अभी ये दूरी चला 10 किलोमीटर। फिर यहां से कह रहा है कि यहां से वहां फिर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, किस दिशा में मुड़ता है, बाएं, तो अब हमें यहां से भी बाएं तय करना है, तो हम जानते हैं बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप बताएं यहां से बाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, दाहिना होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मुड़ते यानी इस दिशा में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज यानी इसके जस्ट विपरीत में, तो इस तरीके से, तो यानी बाएं, तो हमें यही चीज देखना है। कह रहा है यहां से वह पुनः मुड़ता है, किस दिशा में मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बताएं यहां से जब वह मुड़ेगा तो इधर चलेगा और कितनी दूरी तय चलेगा, 10 किलोमीटर। अब वो यहां पहुंच चुका है, फिर कह रहा है एक बार पुनः यानी सबसे लास्ट में एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बताएं यहां से उसको क्या मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो यहां पर अपने पेन की नोक को रखेंगे और हमें यहां से दाहिनी और बायां निकालना है, तो अगर दाहिना बोला होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चूंकि बायां बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, तो अब विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, इस तरीके से घड़ी की सुइयां इस प्रकार से चलती हैं, तो इस प्रकार से मैं चलाना होगा, तो इस प्रकार से टर्न करेंगे तो इस प्रकार से, लेकिन कितने 90 डिग्री के एंगल पर, कितना चलता है 10 किलोमीटर, तो अब वो ये दूरी तय किया कितना 10 किलोमीटर, अब वो इस स्थान पर पहुंच गया। कह रहा बताएं कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो अब हम प्रारंभिक बिंदु हमारी हमारा ये था, तो
तो ये तो हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया हमारा उत्तर। तो अब ये वाली ये दिशा कौन सी है उसकी, ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा है उसकी। तो अब हमें ये वाली दिशा पता है, ये वाली दिशा पता है, ये बीच वाली दिशा है, तो इन बीच वाली दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। तो उसकी दिशा हमें सबसे पहला आंसर में निकला कि उसकी दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। फिर दूसरा आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि दूरी बताएं, तो दूरी हमें ये दूरी यहां से यहां तक पता है, यहां पे भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो देखिए यहां से ये 20 है, ये 10 है, ये इसके बराबर है, तो ये 20 ये 10 तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, ये दूरी क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। तो ये 20 है, तो इस प्रकार से निकालेंगे 20 का वर्ग प्लस ये दूरी 20 और 10 30 का वर्ग, तो ये कितना होगा 1300, 900, 400, 94, 1300, तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1300। अब चूंकि 1300, अब इसका तो वर्गमूल हो नहीं सकता, इसका हो सकता है 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 13। तो इस प्रकार अगर दूरी की बात करें तो दूसरा आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, 10 रूट 13। तो लेकिन ये जो दूसरा वाला पहला वाला आंसर था वो था नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहली बात जो आपका एग्जामिनर बोले कि जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो हमें सबसे पहले उसको पूर्व दिशा की ओर ले जाना होता है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि पूर्व दिशा होती किधर है। तो हमने देखा कि पूर्व दिशा हमारी इस तरफ होती है, तो हमें उसे पूर्व दिशा की ओर चलाया, कितना चलाया 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है इस बिंदु से, कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो बताए इस दिशा से वो किस दिशा में मुड़ेगा, बाएं के लिए। हमने बताया जब भी आपका एग्जामिनर बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में आपको मुड़ना होता है। तो आपका एग्जामिनर बाया बोले तो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, तो बताए घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, इस प्रकार से चलती हैं, घड़ी की सुइयां इस प्रकार से चलती हैं, तो इस प्रकार से हम चलते हैं तब दाहिना हो जाता, हमें इसके जस्ट अपोजिट चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस दिशा की ओर मुड़ेंगे तो इस दिशा की ओर मुड़े कितना चले 20 किलोमीटर, तो यहां पहुंच गए हम। फिर कह रहा अब यहां से वह पुनः दाहिने मुड़ता है कि बाएं, दाहिने मुड़ता है, तो बताइए यहां से अगर वह दाहिने मुड़ा तो यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो घड़ी की सुइयां यहां से अगर हम रखें तो घड़ी की सुइयां इसी प्रकार से चलती हैं, तो यानी इस दिशा में मुड़ेगा और कितना 90 डिग्री के एंगल पर, और 10 किलोमीटर चला, इस बिंदु तक पहुंचा। कह रहा फिर इस बिंदु से वो किस दिशा में मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो बाएं बोले तो यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, हम जानते हैं घड़ी की सुइयां इस प्रकार से चलती हैं, तो इसके जस्ट विपरीत चलाएंगे, कितना चलाएंगे 10, 90 डिग्री के एंगल पर घुमाएंगे और कितना चलाएंगे 10 किलोमीटर। इस बिंदु पर पहुंचा, कह रहा एक बार वह पुनः बाएं मुड़ता है सबसे लास्ट में, पता है यहां से वो बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, समझाते हैं घड़ी की सुइयां यहां पर चलती हैं इस दिशा में, लेकिन बायां बोला है तो बायां बोलेगा तो किस दिशा में चलाएंगे, इधर चलाएंगे इधर, और 10 किलोमीटर चलता है। अब वो यहां पर पहुंच चुका है, कह रहा है अब आप बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है और कितनी दूरी पर है। चूंकि हमें पता है कि यह प्रारंभिक बिंदु उसका कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, तो ये तो हो गया पूर्व, ये हो गया इसका उत्तर, और ये वाली इन दोनों के बीच की दिशा है, तो ये दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ये वाली डायरेक्शन, ये कहलाती है नॉर्थ ईस्ट। तो यही आपका क्या हो जाएगा पहला आंसर कि किस दिशा में है। फिर दूसरा आंसर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है जानर कितनी दूरी पर है, तो हमें ये दूरी पता है, टोटल ये हमें पता है क्योंकि ये 20 था, ये इक्वल है, तो ये 10 हो गया, ये 20, ये 10, तो टोटल 30, तो हमें ये पता है, ये पता है, तो ये वाली हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये 20 और ये 30, तो ये 30 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग दैट इज 1300, और 1300 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 10 रूट 13, तो आपका जो आंसर होगा वो यही होगा। तो आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो किस दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में, तो हमें इस बिंदु से उसे किस दिशा में चलाना होगा, पूर्व दिशा की ओर, ये है पूर्व दिशा की ओर चला और कितनी दूरी तय किया 20 किलोमीटर। फिर आगे कह रहा है कि वह फिर दाहिने मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलने के बाद वो इस बिंदु पर पहुंचा और यहां से अब वह दाहिने मुड़ता है, तो हम जानते हैं दाहिने के लिए हमें किधर चलना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताइए अगर यहां से वह दाहिने मुड़ेगा तो किस दिशा की ओर जाएगा, एक व्यक्ति यहां से चला इस प्रकार से, यहां तक चला 20 किलोमीटर, फिर यहां से दाहिने, तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में दाहिने के लिए, और कितनी दूरी तय किया, कह रहा है दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब ये जो दूरी तय करता है ये है 10 किलोमीटर, ये दूरी 10 किलोमीटर, पूर्व दिशा की ओर चला 10 किलोमीटर, अब ये यहां पर पहुंच गया, कह रहा है फिर दाहिने मुड़ता है, यानी इस दिशा से पुनः यहां पहुंचने के बाद पुनः वह दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर। बताइए यहां से जब वो दाहिने मुड़ेगा और किस दिशा में चलेगा, दाहिने, तो दाहिने के लिए हम जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयों की दिशा में, और कितनी दूरी तय करता है 20 किलोमीटर, और पुनः तय करता है 20 किलोमीटर।
की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी इस बिंदु पर पहुंचने के बाद अब वह दाहिने नहीं मुड़ता, बाएं मुड़ता है। तो बताइए दाहिना होता तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते, यानी ऊपर लेके चले जाते, बायां बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात इस दिशा में घुमाएंगे लेफ्ट के लिए, और कितनी दूरी तय करता है 10 किलोमीटर। तो यह दूरी उसने तय किया 10 किलोमीटर। अब यहां पर पहुंचा, कह रहा है कि एक बार पुनः बाएं मुड़ता है, अब वो यहां से क्या करता है, बाएं मुड़ता है और किस दिशा में, बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो अब बाएं, अगर बाएं बोले तो हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों की दिशा में, विपरीत दिशा में, और कितना चलता है 20 किलोमीटर। अब ये दूरी जो उसने तय की वो है 20 किलोमीटर। आई बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो वहां से क्या करता है दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाहिने के लिए जानते हैं 90 डिग्री एंगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है, तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 90 डिग्री घूमा 10 किलोमीटर चला, फिर यहां से वह राइट घूमता है, दाहिने घूमता है, तो दाहिने के लिए हम जाते हैं पुनः क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमा 20 किलोमीटर चला, यहां पर पहुंचा और यहां से वह बाएं घूमता है, तो बाएं घूमेगा तो यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में और 10 किलोमीटर चलता है, और फिर यहां से वह पुनः बाएं घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब वो यहां पर पहुंच गया तो कह रहा है तो अपने कार्यालय पहुंचता है। अब वहां ये क्या है, उसका कार्यालय ऑफिस है, और ये है इसका क्या घर, ये है इसका घर। तो पूछ रहा है, ऑफिस पहुंच जाता है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, और फिर तीन क्वेश्चन है। पहला है कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो कार्यालय ये है और घर ये है, तो कार्यालय से घर, तो हम कार्यालय जानते हैं कि ये है हमारा पश्चिम और ये है हमारा उत्तर, और कार्यालय किस दिशा में है, ये वाला, ये वाली दिशा कौन सी है, तो इस दिशा को हमें निकालना है, ये दिशा है पश्चिम और उत्तर की बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। तो जो पहला आंसर होगा हमारा, जो पहले का आंसर होगा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, तो इसका आंसर हमारा होगा उत्तर पश्चिम। फिर दूसरा पूछ रहा है कार्यालय, घर से कार्यालय किस दिशा में है। अब इस बार आपका आप एग्जामिनर पूछ रहा है घर से कार्यालय, पहला जो क्वेश्चन था वो कार्यालय से घर, अब पूछ रहा है घर से कार्यालय किस दिशा में है, तो ये है इसका घर, ये है इसका घर, और इसे घर से कार्यालय, तो अब जानते हैं ये तो हमारा है पूर्व और ये हमारा क्या है दक्षिण, तो बताइए ये पूर्व है ये दक्षिण है, तो ये वाली दिशा इसके बीच वाली क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व। तो घर से कार्यालय किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। फिर जो लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, तो कुल आपका एग्जाम ने यहां पर कुल लगाया है, तो कुल के लिए हम क्या करते हैं टोटल दूरी को जोड़ लेते हैं, तो वो ये दूरी तय की 20 किलोमीटर, फिर 10 30 फिर 20 50 और 10 60 और 70 80, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर। लेकिन यही आपका एग्जाम ने दूरी पूछा होता तो हम ये वाली दूरी निकालते, तब ये वाली दूरी निकालते तो हमें ये वाली निकालना होता, तो ये 10 था ये भी 10 हो जाता, 10 ये 20, तो 20 ये 20 ये, तो ये हो जाता 20 का वर्ग, अगर सिर्फ दूरी पूछता तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, और ये इस प्रकार से, तो 4 4 8, तो ये हो जाता, तो इस प्रकार हम इसे निकाल लेते, तो ये हो जाएगा था हमारा 800, आंसर आता 20√2। लेकिन आपका एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ कितना पूछा है कुल दूरी, तो कुल दूरी के हमें टोटल जोड़ना होता है। एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है और कितना चलता है 20 किलोमीटर, फिर वह वहां से दाहिने मुड़ता है यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़ता है यानी इस दिशा से वह पुनः दाहिने मुड़ता है घड़ी की सुइयों की दिशा में मुड़ता है, तो 10-20 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, पुनः सबसे लास्ट में बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो फिर तीन क्वेश्चन पूछता है, तो बताइए ऑफिस से घर किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन, तो हम जानते हैं कि यह है हमारा पश्चिम और यह हमारा उत्तर, इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम, तो इस प्रकार पहला आंसर। फिर दूसरा पूछ रहा है अब घर से कार्यालय किस दिशा में है, तो हम जानते हैं यह है पूर्व और यह है हमारा दक्षिण, तो यह क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कुल दूरी आप बताएं, तो कुल दूरी में टोटल जोड़ लेना होता है, यह न्यूनतम दूरी पूछा होता या दूरी पूछा होता तो ये वाली दूरी हम निकालते, तब हम इसको और इसका क्या कर लेते निकाल लेते और ये वाली दूरी हम आसानी से निकाल लेते, तो इस प्रकार इन तीनों का हमें आंसर मिल गया। तो फ्रेंड्स जो डायरेक्शन चैप्टर है हमें इस पे तीन चीजों को ध्यान देना होता है, पहला हमने देखा क्या दिशा पता होनी चाहिए, फिर लेफ्ट राइट पता होना चाहिए सबसे, और लास्ट में हमें शैडो का आंसर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा,
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।